हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से दर्पण सूत्र को प्रूफ किया जाता है। दर्पण सूत्र यानी कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। बड़े ही आसानी से मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। और जब आप इस वीडियो को देख कर जा रहे होंगे, आप इस काबिल बन चुके होंगे कि आप किसी और को ये दर्पण सूत्र सिद्ध करना सिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो के एंड तक बने रहना है और स्किप करके नहीं देखना है, आराम से देखिए, सीख कर जाओगे, इस बात का वादा रहा मेरा आपसे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक अवतल दर्पण लिया है और यहाँ पर वस्तु रखा है, वस्तु का नाम ए बी है और इसका एक प्रतिबिंब बना लिया। ठीक, मैं ये आशा करता हूं कि प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से होता है ये आपको आता होगा, और अगर आपको प्रतिबिंब का निर्माण नहीं आता है तो इसका भी वीडियो अपने चैनल पे पड़ा हुआ है पिछले साल का, आप उसे देख सकते हैं। या तो एक से दो दिन के अंदर में बिल्कुल फ्रेश और न्यू वीडियो मैं देने वाला हूं कि दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से होता है, आप उसे देख लेना। ठीक है बच्चों, फिलहाल मैं थोड़ा सा एक ये दे देता हूं कि हमने यहां से क्या किया, मुख अक्ष के समांतर एक किरण लिया, मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाती है, तो ये जो पीली वाली किरण है ना, वो फोकस से चली गई। अब देखो, प्रतिबिंब का निर्माण कराने के लिए दो किरण चाहिए था, तो एक किरण हमने यहां से ये रेड वाली ली है जो फोकस से गई है, दर्पण पे यहां पे पड़ा बच्चों, और पड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा, फोकस से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये पीली वाली लाइन और ये लाल वाली लाइन, लाइन नहीं बल्कि वो प्रकाश की किरण है, दोनों ने एक दूसरे को यहां पर कट किया, जहां पर कट किया वही प्रतिबिंब होता है। तो ये ए बी नाम का जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है वो ए डैश बी डैश बना है बच्चों, यहां तक ओके है। अब मैं क्या करता हूं, ये एक त्रिभुज के जैसा दिखे, ये एक त्रिभुज के जैसा दिखे, इसके लिए ना मैं यहां पर एक लंब गिरा ले रहा हूं। ठीक, ये लंब की जरूरत नहीं है बच्चों, बस खाली त्रिभुज के जैसा लगे इसलिए मैं यहां पर एक लंब बना रहा हूं। ठीक है, बाद में हम लोग कहेंगे कि ये जो बिंदु है ना, ये जो बिंदु है, मान लेते हैं कि इस बिंदु का नाम क्या है, इस बिंदु का नाम क्या दे दें, डी नाम दे दें, चलो या तो ई नाम दे देते हैं, इस बिंदु का नाम क्या है, ई है। ठीक, तो ये पी और ई जो है ना बच्चों, ये जो पी है और ये जो ई है, दोनों बहुत ही नज़दीक है, तो हम ई के स्थान पर बाद में पी लिख देंगे, फिलहाल वो त्रिभुज के जैसा लगे इसीलिए हमने उसको वैसा रहने दिया है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब आइए शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन कैसे होगा बच्चों, तो उसके लिए हमें दो त्रिभुज चाहिए होगा, तो एक त्रिभुज मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला ए बी एफ, और एक त्रिभुज है एन एफ ई, ये जो ई है ना वो एन एफ ई। ठीक है बच्चों, ये ई को मैं रेड कलर से कर दे रहा हूँ, ये जो ई है ये एन एफ ई, ये त्रिभुज मैं इसको एक अलग ही ये बना देता हूँ। ठीक, ये त्रिभुज, ठीक ओके। इन दोनों त्रिभुज को जरा ध्यान से देखिए आप लोग, हम लिखेंगे कि त्रिभुज त्रिभुज ए बी एफ तथा त्रिभुज कौन सा है बच्चों, एन एफ ई, एन एफ ई में हम क्या करेंगे, हम इनको समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप क्लास 10 में पढ़ना है बच्चों, समरूपता। दो त्रिभुज समरूप कब कहलाते हैं, जब उनका कोई दो कोण आपस में बराबर हो जाए, तो त्रिभुज दोनों समरूप होते हैं। ठीक है, तो इसका दो कोण हमें बराबर करना है, कौन कौन से दो कोण बराबर होंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कोण है और ये जो कोण है वो दोनों सम्मुख कोण है, और सम्मुख कोण बराबर होता है, ये हमने क्लास 9th में ही सीख रखा है बच्चों। तो सम्मुख कोण बराबर, तो पहला कोण तो हमें बराबर मिल गया। दूसरा कोण कौन सा बच्चों, तो ये जो कोण है ना ये 90 डिग्री है, और इसका ये जो कोण है ये भी क्या है, 90 डिग्री है, तो वो दोनों कोण क्या हो गए, 90 90, इसलिए वो दोनों बराबर होंगे। अब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो दोनों समरूप होगा, तो यही बात हम यहां पर लिखने वाले हैं। ठीक, तो बड़ा वाला त्रिभुज से चल रहे हैं, तो बोलेंगे कि बी एफ ए क्या है बच्चों, लिखेंगे कि कोण बी एफ ए जो है ये बराबर है किसके, कोण ये वाले कोण के, तो इसका नाम क्या है बच्चों, ई एफ एन, क्या नाम है, ई एफ एन, तो लिखेंगे ई एफ एन के। ठीक, क्यों बराबर है, तो आप ब्रैकेट में लिख देना कि दोनों सम्मुख कोण है, दोनों कैसे कोण है मेरे बच्चों, तो सम्मुख कोण है, और इसको बोलना कि तू भाई समीकरण एक है। ओके, अच्छा समीकरण एक नहीं बल्कि ऐसे ही समीकरण एक तो बाद में बनेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला कोण का नाम लिखना है बी ए एफ, क्या है बच्चों, बी ए एफ, लिखेंगे कि कोण बी ए एफ ये बराबर है किसके, इस कोण के, इसका नाम है एफ ई एन। ठीक है बच्चों, एफ ई एन,
ठीक क्यों बराबर है, तो लिखेंगे कि दोनों ही 90 डिग्री। ओके, अब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज कौन सा, ए बी एफ, त्रिभुज ए बी एफ जो है ये समरूप, समरूपता का चिन्ह है ये, समरूप होगा किसके, तो त्रिभुज एन ई एफ के या एन एफ ई के, ये समरूप होगा। ठीक, कहां से, तो यहां पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि ये एंगल, एंगल समरूपता से, ठीक ना, ये लिखने का तरीका है बच्चों, समरूपता से। ठीक, अच्छा, अब अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, यानी लंब को लंब से भाग लगाएं, आधार को आधार से भाग लगाएं, तो दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक ना, तो ऐसा समरूप हो गया तब उसका वो वाला प्रॉपर्टी काम करेगा, तो लिखेंगे कि इसलिए लंब बटे लंब, तो इसका लंब कौन है बच्चों, ए बी, तो लिखेंगे कि ए बी, और छोटे वाले का लंब कौन है बच्चों, तो छोटे वाले का लंब है एन ई, तो लिखेंगे कि एन ई, लंब बटे लंब जो है ये बराबर होगा आधार बटे आधार, तो बड़े त्रिभुज का आधार कौन है, तो ए से एफ, ये आधार है, तो क्या हो जाएगा, ए एफ, और छोटे त्रिभुज का आधार कौन है बच्चों, तो छोटे त्रिभुज का आधार है ई से एफ, तो क्या हो जाएगा, ई एफ, किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको हम बोलेंगे कि ये थोड़ी देर के लिए समीकरण एक है, अब हमारा समीकरण एक बन चुका है। अब एक बार फिर से हम दो त्रिभुज लेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज कौन सा, तो ये त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों में, इस त्रिभुज का नाम क्या, एम ई एफ, और इस त्रिभुज का ए डैश बी डैश एफ, तो एम ई एफ त्रिभुज, एम ई एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, हमने दो त्रिभुज लिए और इन दोनों को भी हम समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप कैसे बच्चों, दो कोण बराबर सिद्ध कर दो, तो इसका ये जो कोण है और इसका ये जो कोण है वो सम्मुख कोण है, तो बराबर होंगे, तो इस कोण का नाम क्या है, एम एफ ई, क्या नाम है, एम एफ ई, तो लिखेंगे कि एंगल एम एफ ई ये बराबर है एंगल किसके बच्चों, तो इसके, तो इसका नाम है बी डैश एफ ए डैश, क्या नाम है, बी डैश एफ ए डैश, बी डैश एफ ए डैश, क्यों बराबर है भाई, तो यहां पे ब्रैकेट में लिख देना कि ये दोनों सम्मुख कोण है इसलिए बराबर है, कैसे कोण है बच्चों, सम्मुख कोण है। अच्छा, अब इसका जो ये वाला कोण है ना, ये 90 डिग्री है, और इसका ये वाला कोण जो है ये कितना है, 90 डिग्री है, तो इसका नाम है एम ई एफ, ठीक, तो हो जाएगा कोण एम ई एफ बराबर होगा किसके, तो ये कोण का नाम क्या है, बी डैश ए डैश एफ, क्या नाम है बच्चों, बी डैश ए डैश एफ के, क्यों बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ही कितने डिग्री हैं, 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, समरूप होंगे, तो लिख लेंगे कि इसलिए त्रिभुज कौन बच्चों, तो एम ई एफ समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ के। ठीक है बच्चे, अब देखो इसको भी हम लोगों ने क्या किया, समरूप सिद्ध कर दिया। अब एक बार जब ये समरूप सिद्ध हो गया तो इसमें भी कौन सा लगेगा, समरूपता वाला प्रॉपर्टी लग जाएगा। अब समरूपता का प्रॉपर्टी क्या कहता है बच्चों, समरूपता का प्रॉपर्टी ये कहता है, ऊपर जरा सही इसको जाने दीजिए फिर मैं आपको बताता हूं कि समरूपता का प्रॉपर्टी क्या कहता है। समरूपता का प्रॉपर्टी ये कहता है कि संगत भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे, तो लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार, तो इस त्रिभुज का लंब कौन है, तो एम ई, ये हो गया, तो लिखेंगे कि इसलिए, इसलिए एम ई जो है वो, सॉरी एम ई बटे छोटा वाला त्रिभुज का लंब कौन है बच्चों, तो छोटा वाला त्रिभुज का लंब है ए डैश बी डैश, तो क्या हो जाएगा, एम ई बटे ए डैश बी डैश बराबर होगा आधार बटे आधार, तो आधार कौन है बच्चों, ई से एफ, तो क्या लिख देंगे, ई से एफ, और छोटे त्रिभुज का आधार कौन सा है बच्चों, तो ए डैश एफ, तो क्या लिख देंगे, ए डैश, किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप जरा यहां ध्यान से देखें, एम से ई, एम से ई और
ए से बी या बी से ए, ऐसा नहीं लगता कि ये और ये दोनों बराबर है क्योंकि समांतर भुजाओं के या समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है दोनों, तो ए बी उतना ही है जितना कि एम ई या ई एम है। तो हम ए बी के स्थान पर एम ई लिख सकते हैं या एम ई के स्थान पर ए बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी। तो हम एक काम करते हैं, ए एम ई के स्थान पर ए बी लिख देते हैं, कोई दिक्कत है क्या? दोनों बराबर है तो लिख दिया, ओके। एक और चीज, ये जो ए डैस बी डैस है वो उतना ही बड़ा है जितना बड़ा कौन है, एम से ई है, क्योंकि ये भी समांतर रेखाओं के बीच में है, है ना बच्चों? ओके, तो हम ए डैस बी डैस के जगह पर एन से ई लिख सकते हैं, ये वाला एन से ई। तो ये देखो यहां पर लिखा हुआ ए डैस बी डैस, तो उसके स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, एन ई लिख देते हैं। फायदा क्या होगा वो बाद में देख लेंगे। और ये क्या है बच्चों, तो ई एफ और बटे का, बटे का क्या है बच्चों, ए डैस एफ। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए समीकरण दो बोलते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको इसको नीचे ला करके दिखाना चाहूंगा, आप जरा ध्यान से देखें, ध्यान से देखें बच्चों। समीकरण एक के बाएं हाथ में क्या है, ए बी बटे एन ई, और समीकरण दो के बाएं हाथ में क्या है, ए बी बटे एन ई। दो समीकरण है और दोनों ही समीकरण का बायां हाथ बराबर है, इसका मतलब यह है कि दोनों का दायां हाथ भी क्या होगा, बराबर होगा। दो समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा बच्चों। तो हम यहीं पर यह बात लिखेंगे कि समीकरण एक और दो से ये और ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो कहां पे लिखूं मैं, कहां पे लिखूं, नीचे लिखूं, चलो नीचे ही लिखते हैं, या तो यहां पर लिखते हैं थोड़ी देर के लिए, नहीं नहीं नीचे ही लिखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर लेकर के जाते हैं और नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेके गया और लिखेंगे कि समीकरण एक और दो से क्या हो जाएगा, ए एफ बटे ई एफ, ए एफ बटे का ई एफ, यार ये तो लिखा ही नहीं रहा इतना नीचे, हाँ क्या हो जाएगा, ए एफ बटे का ई एफ बराबर होगा, ये कौन है बच्चों, तो ई एफ बटे का ए डैश एफ, ये दोनों बराबर होगा। ठीक, अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे करते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी, तो इसको थोड़ा नीचे लाइए और इसको शिफ्ट कर करके ऊपर लेकर के जाइए ताकि कैलकुलेशन वगैरह हम कर सकें। ठीक, ओके, अब जरा सा यहां पर आओ बच्चों, काम करते हैं, तिरछा गुना कर दो, तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एफ गुने ए डैश एफ बराबर, ये क्या हो जाएगा, ई एफ और ई एफ गुना होकर के हो जाएगा ई एफ का स्क्वायर। ठीक, कोई तरह का दिक्कत नहीं है बच्चों। अच्छा, अब देखो ऐसा है जी कि आप गए किसी दुकानदार के यहाँ और दुकानदार के यहाँ जो तराजू में तौलने वाला जो बटखारा होता है वो 1 kg का है, 2 kg का है, 5 kg का है, 10 kg का है, 3 kg का बटखारा नहीं होता, और आपने उससे 3 kg का डिमांड कर दिया कि 3 kg हमको ये वाला सामान दो, तो वो क्या करता है, 1-2 kg का बटखारा चढ़ाता है और 1-1 kg का बटखारा चढ़ाता है, मतलब कि वो तोड़ जोड़ करने लगता है ना। हाँ, वैसे ही हमारे पास है, हमारे पास यहाँ पर 3 प्रकार की दूरी है। कितने प्रकार की दूरी है बच्चों, 3 प्रकार की दूरियां हैं, कौन कौन सा, तो एक है वस्तु दूरी, एक है बच्चों वस्तु दूरी, एक है प्रतिबिंब दूरी, और यही 3 प्रकार की दूरियों से हमें क्या करना है, सारी दूरियां निकाल लेनी है, और एक है फोकस दूरी। 3 प्रकार की दूरी है बच्चों, वस्तु दूरी को हम लोग यू से लिखते हैं, ठीक, प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से लिखते हैं, और फोकस दूरी को हम लोग छोटा एफ से लिखते हैं। वस्तु दूरी किसे कहते हैं, तो वस्तु कहां पे रखी हुई है, तो पी से लेकर के कहां तक है बच्चों, पी से लेकर के कहां तक, ए तक, तो वस्तु दूरी हो जाएगा मेरे बच्चों पी से ए। प्रतिबिंब दूरी कहां बच्चों, तो जहां पर फोटो बना है कहां पर बना है, ए डैश, तो पी से ए डैश, दर्पण से कितना दूर है, तो पी से ए डैश। ठीक, और फोकस दूरी क्या है बच्चों, तो पी से एफ है, तो यहां पर क्या लिख दिया, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। अच्छा, हमें यहां पर इन दूरियों का मान रखना है, तो कैसे रखेंगे, ए एफ का मान निकालो पहले, ए एफ क्या हो जाएगा बच्चों, अब जरा यहां पर देखो, यहां पर देखो, मैंने कहा कि ये हमारा पी है और ये हमारा ए है और बीच में यहां पर क्या है, एफ। अब हमें ए से एफ चाहिए, ए से
एफ चाहिए। तो कितना हो, कैसे निकलेगा बच्चों, ए से एफ हमें क्या चाहिए, ए से एफ ये वाला दूरी चाहिए। तो कैसे मिलेगा बच्चों, कैसे मिलेगा, मैं कहता हूं कि ये पूरा जो है ना, ये पूरा जो है ये 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और यहां से लेकर के यहां तक जो है ये 4 है। और आपसे मैं कहता हूं कि बताओ कि यहां से लेकर के यहां तक कितना है, तो आप फौरन कहोगे कि 6 है। तो कैसे निकाला, कैसे निकाला, तो आप कहोगे कि सर ये पूरा में से ये छोटा वाला को माइनस कर दिए तो ये हो गया। तो अगर हमको ये पूरा पता रहे और ये छोटा वाला पता रहे तो इस पूरे में से इस छोटे वाले को घटा करके ये निकाला जा सकता है। और संयोग से हमें ये पूरा पता है, P से A क्या है, P से A क्या है, वस्तु दूरी है। ठीक है बच्चों, तो यही हम यहां पर लिखेंगे कि हमारा जो AF है ना वो क्या है, तो वो PA, PA यानी वस्तु दूरी में से माइनस करना पड़ेगा किसको, P से F को, P से F घटा देंगे तो AF बचेगा। तो क्या लिखा कि PA माइनस PF, और हम PA भी जानते हैं और PF भी जानते हैं। देखो एक ऐसी दूरी AF जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था कि वो कितना है, उसे हमने दो ऐसे दूरियों में कन्वर्ट कर लिया जिसके बारे में जानते हैं कि कौन कितना कितना है। ये वस्तु की दूरी है और ये फोकस की दूरी है। ठीक है बच्चों, तो AF का मान तो हम लोगों ने निकाल लिया, उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अच्छा अब एक और है बच्चों, A-F क्या है, A-F इसका मान कैसे निकलेगा, तो वो भी बता देता हूं। देखो ये यहां पर A-S है ना, तो मैं यहीं पर समझाऊंगा कि ये A-S रहेगा और ये क्या है बच्चों, ये है हमारा P, ये A-S और ये P। अब और ये यहां पर क्या है, F है। मैं कहता हूं कि ये पूरी दूरी जो है ना ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक, सेम कहानी है, और इसको फिर से एक बार क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो ये कितना होगा, 6 होगा, आप खुद से कहोगे है ना। कैसे निकाला, तो ये पूरा में से ये छोटा वाला को माइनस कर करके अभी अभी तो सिखाया है। तो बच्चों अगर हमको P से, अगर हमको क्या, अगर हमको इस P से, इस P से A डैश यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी पता हो, और P से F जैसे कि 4 पता था वो पता हो, तो इस पूरे में से इस छोटे वाले को माइनस कर देंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर ये है तो है कितना। और संजोग से बेटा ऐसा है कि हम P से A डैश भी जानते हैं और P से A भी जानते हैं ना, तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि ये क्या हो जाएगा, P से A डैश माइनस P से F। P से A डैश क्या है जी, तो वस्तु का दूरी है, ये प्रतिबिंब का दूरी, और P से F क्या है, फोकस दूरी। सारी दूरियां हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, तो अब हमारे लिए कोई बड़ा बात नहीं रहा है इसको हल करना। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं और देखिए किस तरीके से ये हल होगा। ठीक, आओ बच्चों आओ, अब तुम्हें दिखा ही देते हैं कि किस तरीके से फाइनली इसे फाइनल टच दिया जाता है। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। देखो ए एफ का मान रखेंगे पी ए माइनस पी एफ, क्या हो जाएगा बच्चों, पी ए माइनस का पी एफ, पी ए माइनस का पी एफ, और इनटू दे करके ए डैश एफ कितना है, तो पी ए डैश माइनस पी एफ क्या हो जाएगा हमारा यार, हाँ पी ए डैश माइनस का पी एफ, और इक्वल टू क्या है बच्चों, अच्छा ई जो है ना, ई के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, मैंने कहा था कि ई और पी दोनों बहुत नजदीक है, तो हम ई के जगह पर पी रख देंगे। तो यहां पर हमने लिख दिया कि ई के जगह पर पी रख दिया, और क्या है एफ है उसका स्क्वायर है, तो पी एफ का स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, ये बहुत सारे मच्छर आ गए हैं भाई, रात का समय है, अच्छा खासा रात हो गया है। अच्छा अब इसको गुना करते हैं, तो पी ए को पी ए डैश से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ए इंटू पी ए डैश। ठीक, अच्छा पी ए को पी एफ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी एफ, अब इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस में पी एफ इंटू पी ए डैश, पी एफ इंटू पी ए डैश, और पी एफ को पी एफ से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और पी एफ का स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरफ कितना है बच्चों, ये गुना करना तो आप लोगों को आता होगा। अब ये पी एफ के स्क्वायर से ये पी एफ के स्क्वायर को आप क्या करोगे, कैंसिल कर दोगे। तो यहां पर क्या बचा मेरे बच्चों, ये देखो ये हो जाएगा पी ए इंटू पी ए डैश, पी ए इंटू में पी ए डैश, ये माइनस वाला है उसको हम बराबर के उस तरफ लेके जाते हैं, पी ए पी एफ उस तरफ जाके माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि पी ए इंटू पी एफ,
और ये भी माइनस में है, वो भी उधर जाके प्लस में हो जाएगा, क्या है पी एफ इंटू पी एट एस। ठीक है, अब हम लोग इसका मान रख देते हैं, क्या मान है बच्चों, तो पी ए क्या है, पी से ए क्या है, वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी क्या है बच्चों, यू से लिखते हैं, और बाई तरफ है दर्पण के, इसलिए माइनस में यू। पी ए डैश क्या है बच्चों, तो प्रतिबिंब की दूरी है, और वो भी बाई ओर है, इसलिए उसको भी किस में लिखा, माइनस में लिखा, कि माइनस का भी हो जाएगा। इक्वल टू में क्या है बच्चों, पी ए वस्तु की दूरी तो माइनस यू, पी एफ फोकस दूरी तो माइनस का एफ, प्लस दे करके पी एफ फोकस दूरी माइनस एफ। माइनस क्यों, क्योंकि देखो पी से एफ की तरफ आने के लिए हम लोग दर्पण के बाईं ओर आते हैं, ठीक है, और पी ए डैश तो ये क्या है बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या लिखेंगे, माइनस का भी लिखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस का बहुत ख्याल रखना है और हमारा काम हो जाएगा। यहां पर मैंने दूरियां सारी लिख रखी है तो वो आप लोग देख लेना, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे और अब हमारा काम एकदम फाइनल ये पे है, बस और ज्यादा कुछ रह नहीं गया है, इसको थोड़ा सा फाइनल टच देना है बच्चों, तो दे देते हैं टच। माइनस माइनस प्लस यू गुने भी कितना हो जाएगा, यू भी हो जाएगा। इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यू गुने एफ कितना हो जाएगा, यू एफ हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखा, माइनस माइनस प्लस और भी गुने एफ कितना हो जाएगा, भी एफ हो जाएगा। यही आपका दर्पण सूत्र है बच्चों, यही आपका दर्पण सूत्र है, लेकिन हम लोग दर्पण सूत्र को इस रूप में नहीं रखते हैं, ठीक, हम दर्पण सूत्र को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा अलग रूप में देखना चाहते हैं, तो वो अलग रूप में कैसे बदलाएगा, उसको बदलने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग लगा देते हैं। देखो बच्चे, दो बराबर चीजों में बराबर संख्याओं से भाग लगा सकते हैं ना, तो लिखेंगे कि दोनों तरफ यू भी एफ से क्या करने पर, भाग देने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर क्या हो जाएगा, तो देखो u इंटू भी था, इसको u भी f से भाग लगा दिए, इस तरफ क्या है तो u इंटू f है, इसको u भी f से भाग लगा दिए, और प्लस में ये क्या है बच्चों, भी इंटू f है, इसको भी u भी f से भाग लगा दिए। अब देखो u से u कटा, भी से भी कटा, ठीक, यहाँ पर u से u कटा, f से f कटा, यहाँ पर भी से भी कटा, f से f कटा, तो बचा क्या, तो यहाँ पर बचा एक बटे f इक्वल टू, यहां पर क्या बचा, एक बटे भी, और यहां पर क्या बचा, एक बटे यू, और यही है हमारा फॉर्मूला कि वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई भी प्लस वन बाई यू। लिखने वाले इसको पलट के ऐसे लिखते हैं कि वन बाई भी प्लस वन बाई यू इक्वल वन बाई एफ, दोनों एक ही चीज है ना बच्चों। एक बच्चे ने कहा पिछली बार जब मैंने प्रूफ किया था तो, कि सर फॉर्मूला ये थोड़े होता है, फॉर्मूला तो ऐसे होता है कि वन बाई यू तब वन बाई भी, हाँ तो कहीं आप लोग भी तो ऐसा नहीं ना सोच रहे हैं बच्चों। देखो प्लस में है तो किसी को पहले लिखें किसी को बाद में लिखें क्या फर्क पड़ता है, दो प्लस तीन भी उतना ही आंसर देता है जितना तीन प्लस दो देता है, दोनों बराबर है, तो कोई पहले रहे कोई बाद में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये जो मैंने इतनी मेहनत से आप लोगों को यहां पे डेरिवेशन करवाया है बिल्कुल आसानी से एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा समझा के आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा है ये वीडियो तो इसे करें एक लाइक और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एसआर सर जो इतनी रात में पढ़ा रहे हैं इतने मच्छरों के बीच में और कोई नहीं है पूरा जमाना सो चुका है, ठीक, तो उनको अपने ये जो मेहनत कर रहे हैं उनका फल मिल सके। ज्यादा से ज्यादा मैं तो ये कहूंगा कि पूरे बिहार के स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका एक लाइक एक शेयर जो है किसी की जिंदगी को बना सकता है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करते जाना शेयर करते जाना और इसे दो दिनों के लिए तीन दिनों के लिए कम से कम आप लोग अपने स्टेटस पे व्हाट्सएप के स्टेटस पे जरूर लगाएं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो भी है फेसबुक वगैरह है उस पे शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहें एसआर क्लास के साथ, मिलते हैं।